हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट एवं कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट GDS का रिजल्ट कब जारी होगा एवं कट ऑफ कितना जाने वाला है। उससे पहले आप सभी देख सकते हैं कि इस बार GDS की भर्ती में हाईएस्ट परसेंटेज वाले कैंडिडेट का गहन जांच होने वाला है, क्योंकि GDS भर्ती में आप सभी को पता है कि 10th के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है और बहुत से कैंडिडेट 10th के फर्जी प्रमाण पत्र अपलोड करके सिलेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसी के रिलेटेड आप सभी देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में दिया गया है कि नियुक्ति में 98 से 100% तक अंक दिखाने वालों के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू। में कहा गया है कि डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर व सहायक शाखा पोस्टमास्टर की नियुक्ति में बिहार में चौंकाने वाली बात सामने आई है। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के मैट्रिक के अंक पत्रों में 99 व 100% तक अंक दिखाया था। डाक विभाग ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। अधिकतर अभ्यर्थियों के मैट्रिक सर्टिफिकेट जाली होने और इस जालसाजी में अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने के संदेह पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। डाक विभाग के अनुसार बिहार के 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों में से 221 को मैट्रिक में 100% जबकि 3822 को 98 से 99% अंक हासिल थे। वहीं 90 से 97 अंकधारकों की संख्या लगभग 12,000 है। इन जगहों से मिले अधिक मामले डाक विभाग सर्किल में पटना डिवीजन, पटना साहिब डिवीजन के अलावा सिवान, गया, सीतामढ़ी, भागलपुर, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, पूर्णिया, रोहतास, बेगूसराय, भोजपुर, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा, कटिहार, नवादा, वैशाली डिवीजन में अधिकतर अंक वाली मार्कशीट मिलने का मामला प्रकाश में आया है। डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है तब से इस तरह के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। खासकर झारखंड, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बोर्ड के 98 से 100% अंक वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ साथ सबमिट करने का मामला हर बार मिलता है। जांच के दौरान इस तरह के मामले सामने आते हैं। मामलों को जांच के लिए संबंधित बोर्ड को भेजा जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाता है। उसके बाद कहा है कि 2300 पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में नियुक्तियों के लिए बिहार में 2300 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। देश के मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी मैट्रिक में अंक पत्रों के आधार पर चयन होना था। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ अन्य दस्तावेज के अलावा मैट्रिक का अंक पत्र भी अपलोड किया था। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार आप सभी देख सकते हैं कि ये मामला सीबीआई के पास पहुँच चुका है। अब इसमें सीबीआई जाँच की जाएगी। जितने भी अधिक परसेंटेज वाले कैंडिडेट हैं उन सभी का गहन जाँच किया जाएगा। और GDS के रिजल्ट में आप सभी को कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होता देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि GDS भर्ती का रिजल्ट कब आने वाला है, साथ ही इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। सभी देख सकते हैं कि GDS भर्ती के रिजल्ट के रिलेटेड अपडेट हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से 16 अगस्त को दोपहर 2:25 पर दी गई है। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि कहा गया कि इंडिया पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट 2024 जारी होने वाला है। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का रिजल्ट, इसमें आप सभी देख सकते हैं कि आगे दिया गया है कि इंडिया पोस्ट GDS भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जल्द जारी होने वाली है। जिन अभ्यर्थियों ने इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन किया था वो मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in पर की जाएगी। मेरिट लिस्ट के साथ साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को इससे जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट या फिर उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS से दी जाएगी। यह रिजल्ट आने के 10 दिनों में दी जा सकती है। इसके बाद कहा है कि मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए उम्मीदवारों की 10वीं की मार्कशीट देखी जाएगी। आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर इंडिया पोस्ट मेरिट लिस्ट जारी करेगी। जिन लोगों का नाम इस मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन कैंडिडेट को आना होगा। उसके बाद कहा है कि आपको बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत 44,228 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई में शुरू हुए थे और 5 अगस्त तक चले थे। आपको बता दें कि कई राज्यों में भर्ती होगी इसमें, जिनमें कि राजस्थान में 2718, बिहार में 2558, उत्तर प्रदेश में 4518
88, छत्तीसगढ़ में 1338 और मध्य प्रदेश में 4011 पद शामिल है। उसके बाद दिया है कि किन पदों पर होता है सिलेक्शन। जीडीएस कट ऑफ लिस्ट स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग जारी की जाती है, जिसके बाद पोस्टमास्टर, असिस्टेंट, ब्रांच पोस्टमास्टर, ग्रामीण डाक सेवक पद पर सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद आप सभी कट ऑफ देख सकते हैं कि कट ऑफ दिया गया है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। जनरल का 84 से 94 के बीच जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 83 से 90 के बीच जा सकता है, वहीं दूसरे बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का 79 से 88 के बीच जा सकता है, एससी का 79 से 87 के बीच जा सकता है, एसटी का 78 से 84 के बीच जा सकता है, पीडब्ल्यूबीडी का 68 से लेकर 77.6 के बीच जा सकता है। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक्सपेक्टर दिया गया कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जीडीएस का रिजल्ट आप सभी को इसी सप्ताह किसी भी दिन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जीडीएस भर्ती रिजल्ट के लेटेस्ट जैसे को लेटेस्ट अपडेट आएगी आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।